हेलो दोस्तों, तो चलिए एक नया आर्टिकल देखते हैं। इसमें एडिटोरियल है, नए आर्थिक समझौते से दूरी बनाने की निहितार्थ। इसके संपादक हैं अश्विनी महाजन। पिछले कुछ समय से भारत द्वारा क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी RCEP के नाम पर 10 आसियान देशों जापान, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, चीन के साथ साथ एक नए मुक्त व्यापार समझौते की कवायद चल रही थी, जिस पर सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस घोषणा के साथ भारत RCEP में शामिल नहीं होगा, विराम लग गया है। यह समझौता केवल नाम से ही व्यापक नहीं था, बल्कि वास्तव में यह भी अत्यंत विस्तृत समझौता था, जिसमें निवेश, कृषि, डेयरी, मैन्युफैक्चरिंग, ई कॉमर्स, डाटा समेत तमाम विषय शामिल थे। इस समझौते का कृषि, डेयरी, इस्पात, रसायन, टेलीकॉम, ऑटोमोबाइल, साइकिल, टेक्सटाइल समेत विभिन्न क्षेत्र विरोध कर रहे थे। इस प्रस्तावित समझौते के व्यापक विरोध के चलते सरकार काफ़ी उहापोह में थी, इसे किया जाए या नहीं। बीते दिनों में इस समझौते को भारत के अनेक अनुकूल बनाने के संदर्भ में कुछ विषय RCEP में चले, लेकिन ऐसा लगता है कि भारत के उन मुद्दों और चिंताओं का निराकरण नहीं हो पाया। अंततः प्रधानमंत्री द्वारा समझौते से बाहर आने की घोषणा से तमाम क्षेत्र राहत महसूस कर रहे हैं। इस समझौते का मूल विषय था अधिकतर वस्तुओं के आयात शुल्क को शून्य करना। मुक्त व्यापार समझौते का मतलब होता है कि आयात शुल्क को समाप्त कर वस्तुओं की आवाजाही को मुक्त बनाना। गौरतलब है कि इस प्रस्तावित समझौते में चीन से आने वाली 80% वस्तुएं और अन्य देशों से आने वाली 90 से 95% वस्तुओं पर आयात शुल्क शून्य करने का प्रस्ताव था। हम जानते हैं कि इस समझौते में 10 आसियान देश भी शामिल हैं। आसियान देशों के साथ हमारा मुक्त व्यापार समझौता पहले से ही है, जो 2011 में हुआ था। इस समझौते के बाद आसियान देशों से हमारा व्यापार घाटा लगभग 3 गुना बढ़ गया। इस समझौते में ना तो कोई निकलने का प्रावधान है और ना ही पुनर्विचार का। इसके कारण देश के किसानों और उद्योगों को भारी नुकसान सहना पड़ा। लगभग 1 महीने पहले भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इस समझौते पर पुनर्विचार के लिए आसियान मुल्कों को राजी कर लिया था, जो भारत के लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। कुल मिलाकर RCEP देशों के साथ हमारा व्यापार घाटा $105 अरब के लगभग था। यदि यह समझौता हो जाता तो शून्य आयात शुल्कों के कारण इन मुल्कों से आयात की बाढ़ और बढ़ जाती, और यही कारण है कि RCEP में भारत के शामिल ना होने से भारत के उद्योग, डेयरी, कृषि क्षेत्र खुशी महसूस कर रहे हैं। यह जानना होगा कि हमारे किसानों का मुकाबला किन विदेशी उत्पादों से होने वाला था। यहाँ 10 करोड़ किसानों और गैर किसानों की जीविका डेयरी पर चलती है, जबकि न्यूजीलैंड का सारा डेयरी उत्पाद, जिसे वे दुनिया भर में निर्यात करते हैं, मात्र 11,500 डेयरियों से आता है। वे दुनिया के कुल डेयरी निर्यात का 30% हिस्सा रखते हैं। जापान चावल, गेहूं, कपास, चीनी और डेयरी के उत्पादों के संरक्षण के लिए $33.8 अरब की सहायता देता है, ताकि उसके किसानों का हित संरक्षण हो सके। पर अब भारत में यह सहायता नगण्य है। न्यूजीलैंड के दूध पाउडर की कीमत मात्र ₹180 प्रति किलो है, जबकि भारत में दूध पाउडर की कीमत ₹290 प्रति किलो है। ऐसे में न्यूजीलैंड से शून्य आयात शुल्क पर डेयरी उत्पाद आने से भारतीय डेयरी की रीढ़ ही टूट जाती। मोदी सरकार बनने के बाद समस्या यह आई कि UPA सरकार द्वारा जो निवेश समझौते किए गए थे, उनके कारण निवेशकों ने भारत सरकार पर मुकदमे करने शुरू कर दिए। उन मुल्कों के साथ समझौते के अनुरूप सुविधाएं नहीं दी गई, इसलिए उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए। कई कंपनियां भारी मुआवजा वसूलने में सफल भी हुईं। ऐसे में इन समझौतों से निजात पाने के लिए उन्हें रद्द करने की कार्यवाही की गई। विडम्बना यह है कि इस RCEP समझौते के बाद देश पुनः उसी जाल में फंस जाता। यही नहीं, इस समझौते के बाद विदेशी कंपनियां द्वारा रॉयल्टी और तकनीकी शुल्क पर अंकुश भी समाप्त हो जाता। प्रधानमंत्री के इस फैसले की आलोचना भी हो रही है, लेकिन देश हित में यह फैसला जरूरी था। चलिए, तो ये था RCEP से
संबंधित एक और आर्टिकल।